देखिए, किसी का वेतन मान दिया हुआ इस तरह से, इसका मतलब होता है उसका वेतन शुरू होगा 8325 रुपये से, और हर साल कितना बढ़ेगा, 50 50, कितना बढ़ेगा, कब तक, जब तक उसका वेतन कितना हो जाए, 9275। अब जैसे 9275 हो जाएगा कितना बढ़ने लगेगा, 75। कब तक, जब तक उसका वेतन हो जाए 10660। यही है वेतन मान का तरीका, ठीक है, बेसिक पे का है ना। तो अब हमें पता करना है कि 23 वर्ष बाद अमुक व्यक्ति का जब इस वेतन मान में नौकरी हुआ है तो 23 वर्ष बाद कितना पेमेंट होगा, समझ में आ रहा है ना। तो स्टार्ट में कितना है, 8325 रुपया, और पहला साल जब होगा एक साल कंप्लीट तो कितना बढ़ेगा, 50 रुपया, है ना। हम मानते हैं 9275 रुपया कई साल में होगा तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं एक साल में होगा, तो एक से इसको गुना करेंगे ना, हर साल 50 50 बढ़ेगा तो बराबर कितना हो गया, 9275। इसको उधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 950, और 50 से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 19, यानी 19 वर्ष के बाद उसका पेमेंट हो जाएगा 9275 रुपया। फिर कितना कितना बढ़ेगा, 75। कई साल तक और बढ़ाना है, 4 साल ना, क्योंकि 19 साल तो हमने निकाल लिए, तो 4 साल 9275 में 4 से गुना करेंगे किस में, 75 ना, 4 साल बढ़ेगा तो 75 जोड़ के कितना हो जाएगा, 300। अब 9275 300 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9575। यानी 23 साल बाद उसको पेमेंट कितना मिलेगा, 9575।